इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग सेंटर पर हुई वोटिंग को शून्य घोषित कर दिया। 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यहां नए सिरे से वोटिंग कराई जाएगी। बता दें कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान इन पोलिंग सेंटर्स पर हिंसा हुई थी। चुनाव आयोग ने बताया कि इन बूथों पर ईवीएम तोड़ी गई थी और गैर कानूनी तरीके से मतदान भी हुआ था। इसके अलावा मणिपुर कांग्रेस ने भी बूथ कैप्चरिंग और जबरन वोट डलवाने की शिकायतों पर दोबारा वोटिंग की मांग की थी।